हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड ओप्पो रिनो 2Z फ़ोन में आप जो है कैसे सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप बड़े आसानी से सिस्टम अपडेट कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे टॉप में जो है आपको सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है सिस्टम अपडेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरा हैंडसेट है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन सभी डिवाइस में होता है, आपको लिख देना है सिस्टम अपडेट। लिख देंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा इंटरफेस। तो आप जो है यहाँ से आप ओपन करके इसे डाउनलोड और आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए क्या करें, आपको बैक जाना है और ऊपर के ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो है सेटिंग सिस्टम अपडेट लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले नेट को ओपन कर लेना है। नेट ओपन करने के बाद आप इसे ओपन करें, और ओपन करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये मेरे फ़ोन में कोई भी अपडेट नहीं आया है, अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।